हेलो एंड वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। इस वीडियो में हम आपको ऑटो डायल जीएसएम बर्गलर अलार्म सिस्टम के अंदर अगर आपने फ़ोन नंबर्स कॉन्फ़िगर करने हैं, फ़ोन नंबर्स ऐड करने हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको इस पैनल के अंदर बैक साइड पे इस पार्ट को खोल के यहाँ पर सिम ट्रे लगानी है। ये जो एक छोटा सा स्लॉट होता है, उस स्लॉट को खोल के आपने यहाँ पर, जैसे ये स्लॉट खुल गया, इसमें आपने सिम ट्रे इंसर्ट करके वापस आपने यहाँ पर लगाकर इसको आगे की तरफ प्रेस कर देना है ताकि वो टिच करके बंद हो जाए। और आप इसको जब बंद करेंगे, अभी मैंने सिम ट्रे नहीं लगाई है जिसमें आपको बता रहा हूँ क्या प्रोसेस है, और आपको यहाँ पर सिग्नल्स दिखाई देंगे। और उसके बाद आप अपने फ़ोन से इस सिम के ऊपर कॉल करके चेक कर सकते हैं कि कॉल जा रहा है नहीं जा रहा है। उसका मतलब ये होगा कि सिम आपका प्रॉपरली एक्सेप्ट हो गया है। अगर इन केस एक्सेप्ट नहीं होता, एक बार आप पैनल को रिबूट करके आप दोबारा से चेक कर सकते हैं और आप उसके सिम पे कॉल करके देख सकते हैं। अगर तो वो कॉल जा रही है, दैट मीन्स आपका सिम ठीक ढंग से लग गया है। उसके बाद अगर आपने एक नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर हैश वन, उसके बाद 10 डिजिट मोबाइल नंबर, फॉर एग्जांपल 9 9 9 6 6 3 5 6 0 7 और हैश 9 9 9 6 6 3 5 6 0 7। इस तरीके से आप अपना एक नंबर ऐड करते कर सकते हैं। अगर आप दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप हैश 1 की जगह पर 2, मतलब हैश 2, फिर आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर और उसके बाद दोबारा से हैश। आप इस तरीके से टोटल 5 नंबर्स ऐड कर सकते हैं। पहले आपने किया हैश 1, फिर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, फिर हैश, फिर दूसरे मोबाइल के लिए हैश 2, फिर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, फिर हैश, फिर थर्ड मोबाइल नंबर के लिए हैश 3, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, हैश, इसी तरह हैश 4, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, हैश, और फिफ्थ नंबर के लिए भी हैश 5, 10 डिजिट मोबाइल नंबर और फिर हैश। इसमें आपको मोबाइल नंबर से पहले कोई 0 या कोई 9 या कंट्री कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉल सिर्फ उसी कंट्री में जाएगी जिस कंट्री में आप हैं। तो आई होप इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।